सो गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग का तीसरा दिन है ट्रेन में हमारे गोवा ट्रिप के लिए। सो अभी हम लोग ट्रेन में ही है, देखिए कुछ नाश्ता पानी चल रहा है, शाम के 4:30 हो रहे हैं और हम लोग अब कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं वास्को डगामा जो हम लोग का स्टेशन है। और देख लीजिए सब पूरा बोर हो गए हैं और हम लोग का जो भी आते हैं बोल के जाते हैं, हमेशा खाते रहते हैं सोते रहते। देखिए इधर सो रहे हैं भैया, कुछ बताइए तो सब। काफ़ी विलम्ब हो चुका है, हम लोग का टाइमिंग था 2:20 का, लेकिन ट्रेन काफ़ी लेट होने के कारण हम लोग थोड़ा बोर फील हो रहे हैं। तो टाइम पास के लिए हम लोग जो भी बता है वो खाए जा रहे हैं सबको ख़त्म कर देना इधर ही। चाचा जी से पूछते थोड़ा कैसा फील कर रहे हैं। फील तो ठीक है अभी तक, लेकिन थोड़ा खराब लग रहा है, हम लोग लेट से पहुंच रहे हैं। बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, नज़ारा बहुत अच्छा है, दृश्य बहुत अच्छे हैं, जंगल झाड़ से गुजर रहे हैं इधर का एरिया। सर्विस आपको कैसा लगा हमारे ट्रेन का? सर्विस ठीक रहा, सब कुछ ठीक रहा, अच्छा रहा, साफ सफाई सब कुछ ठीक है और अपेक्षा से अच्छा है। कुछ दोस्त अपना बताइए। हमको तो बहुत बोर फील हो रहा है। पूरा बोर फील हो रहा है ना? तुम सुअर है क्या? और भी हमारे जो ट्रेन में सफर कर रहे हैं हमारे साथ में, उन्होंने से मिलवाते हैं आप लोग को। चलिए आप लोग से मिलवाते हैं और भी हमारे साथ में जो ट्रैवल कर रहे हैं। देखिए क्या बोले, निकला शौक से गोवा के लिए, लेकिन जब सफर जो ट्रेन इतना लेट चला 4-5 घंटों से, हम लोग को बहुत तकलीफ महसूस हो रहा है। और जिस बोगी में हम लोग बैठे हुए हैं M4 में, उसमें पानी का बहुत बड़े समस्या है और जो एसी थर्ड एसी है वो भी काम नहीं कर रहा है। कुल मिला के हम लोग बहुत परेशान है। परेशान है नहीं, कुल मिला के हम लोग बहुत परेशान है। सही बात है, परेशानियों का सामना करते हुए हमारे माधव जी। चलिए दो सब कुछ बोलना चाहिए, 4-5 घंटा हमारे यात्री सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी हमको लग रहा है ट्रेवल किए हैं हमको। तो लॉन्गेस्ट रहा ना आपको, सबसे ज्यादा घंटा बिताए इस ट्रेन में? ट्रेन लेट के कारण हम लोग झारखंड से आ रहे थे तो इधर के लोग हम लोग को पास नहीं दे रहा थे, लेट हो गया। नहीं तो बहुत अच्छा मौसम, पुष्पा बना था, शूटिंग यही हुआ था क्या? यही से लग गंगा के ले जा रहा था। जंगल पुष्पा राज का पिक्चर जो बना हुआ। चलिए अब आगे हम लोग और भी जितने मेंबर से उनसे मिलवाते हैं। चलिए आइए, बोलो नाम बोलो। कैसा फील कर रहे हैं तब सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी ट्रेवल करके? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना बोर नहीं फील कर रहे क्या? बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है? चलिए इधर गुड्डू जी से मिलवाते हैं आप लोग को। इधर दो सब इधर कुछ रखिए, इधर दो सब रखिए। कैसा फील कर रहे हैं बताइए? सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी आप ट्रेवल कर रहे हैं क्या इस ट्रेन में अभी तक का जिंदगी का, ट्रेन का सफर? नहीं, जिंदगी में तो इससे भी लंबा लंबा सफर हुआ है। नहीं मतलब ट्रेन में, ट्रेन का सफर बताए। 3-4 दिन हुआ ये, मतलब कि अभी तक का सबसे ज्यादा ट्रेन जर्नी लॉन्गेस्ट रहा है ये कि और भी? यही रहा है सबसे लॉन्गेस्ट। तो कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है, दोबारा आना चाहेंगे इस ट्रेन में? हम कहना चाहेंगे कि आप लोग भी आइए, मजा लीजिए। और यहाँ का सर्विस आपको कैसा लगा इस ट्रेन का? ट्रेन का सर्विस बहुत ही बढ़िया है, यहाँ का होटल लोग भी बहुत अच्छे हैं, बात भी बहुत बढ़िया से करते हैं। हाँ बात विचार तो अच्छा से किए हैं सभी पे। चलिए इधर देखिए हमारे राम प्रकाश जी बैठे हुए हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बढ़िया लग रहा है।
और इस ट्रेन का नजारा खूबसूरत है। हाँ, इधर देखिए नजारा तो बहुत ही मस्त है। और कुछ देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं गोवा। सो गाइस, आप लोग को दिखाते हैं एक नाम देख लीजिए क्या आप क्या लिखा हुआ है। सिग्नल दे दिया का, आइए ना गाइस। देखिए यहाँ पे फोटो क्लिक किया जा रहा है क्योंकि यहाँ का नाम जो है थोड़ा यूनिक है। देख लीजिए, ये देख लीजिए फोटो क्लिक हो रहा है। गाइस देखिए हम लोग यहाँ पूरा जो ट्रेन है रुक चुका है और यहाँ पे हम लोग को जो 6 घंटा का लेट चल रहा था वो 8 घंटा से 10 घंटा से 14 घंटा हो गया है। 14 घंटा लेट हो गया। जो हम लोग जो 3 नाइट हम लोग का स्पेंड करना होगा। और देखिए इधर पूरा खाली हो गया है, यहाँ पे हम लोग कुछ ही जन है और यहाँ पे ठंडा बढ़ा दिया गया है पूरा चिलिंग। देखिए हम लोग यहाँ कम्बल ओढ़ के, देखिए इधर सब कम्बल ओढ़ के घी खा रहे हैं। बहुत ठंडा लग रहा है गाइस, देखिए सब कम्बल सब ओढ़ रहे हैं हम लोग। चिलिंग गाइस इधर देखिए गोवा में मनाली वाला फील। अरे तबीयत खराब हो गया क्या? हाँ सर, तो लग रहा है गोवा जा रहा है, कुन्नू मनाली जा रहा है, पता नहीं चल रहा। अगला टोल हम चलिए। देखिए हमारे भोला जी जो है अगला बोगी में हम लोग जा रहे हैं कोच में। ठंडा लग रहा है। हम लोग कोचों में बहुत ठंडा लग रहा है, ठंडा बढ़ा दिया, ठंडा लग रहा है मामू, जादू बनाया इनको। सो गाइस रात के 11:30 बज गए हैं और हम लोग का तीसरा दिन है ट्रेन में और बहुत ही लेट हो गया हम लोग का। और अभी हम लोग मड़गांव में उतरेंगे। सोचे थे कि 4-5 घंटा लेट होगा लेकिन हम लोग को लगभग 8-10-12 घंटा लेट हो गया ना भैया। कितना? 12 घंटा एक दिन, मतलब कि टोटल हम लोग को 72 घंटा स्पेंड किए इस ट्रेन में, 3 दिन पूरा। और अभी रात के 12 बजने वाले हैं और अभी तक हम लोग पहुंचे नहीं पूरा। चलिए 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 चलो उतरो 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 जल्दी। सो गाइस फाइनली हम लोग उतर चुके हैं मड़गांव में 72 घंटे के बाद में। बहुत ही ट्रेन लेट हुआ, पहले ही पहुंचने वाले थे बट अभी रात के 12 बजे उतरे हुए हैं। देख लीजिए सभी पर। सो गाइस देखिए सभी को यहाँ पे उतर गए हैं मड़गांव में और यहाँ से हम लोग टैक्सी किए हुए हैं कालंगुट के लिए। किधर चलना भैया, किधर चलना? $2500 लग रहे हैं हमारे ये जो टैक्सी किए हुए हैं, 7 सीटर है। हम लोग 14 जन है तो 7-7 जन एडजस्ट हो जाएंगे। कालंगुट के लिए यहाँ से लिए हैं मड़गांव स्टेशन से। रात के 12 बज रहे हैं, देख लीजिए ये लगेज रखना है।
तो गाइस हम लोग अपने ऑटो में बैठ गए हैं परिवार के साथ, टैक्सी में जैसे परिवार के साथ वो रहता है ना वहाँ। और यहाँ से हम लोग का 50 किलोमीटर का सफर है, रात के 12 बज रहे हैं और हम लोग को लगभग एक घंटा लगेगा। और ये मेरा दादू बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट किए हैं आज हम लोग हमारे साथ में। अच्छा बारिश फाइनली पहुंच गए हम लोग अपने होटल में। सो गाइस हम लोग पहुंच गए अपने होटल पे, अभी 1:30 हो रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं। ये देखिए हमारा होटल, हम लोग का एक और जो टैक्सी था वो आ गया है, अराइव हो गया है। गाइस ये रहा हमारा कॉटेज, इस मॉडल में ये देखिए रूम ठीक है सर, उसका नीचे है रूम। सो गाइस अभी फ्रेश होके जा रहे हैं अपना, जो 2 बजे रात में डिनर करने के लिए जा रहे हैं 2 बजे रात में।